नमस्कार, मैं रितिका राज आप सभी का बिहारी माटी में स्वागत करती हूँ। हम अभी मौजूद है बिहार के वरिष्ठ नेता जो होने वाले हैं प्रत्याशी, भी भावी प्रत्याशी नवादा के लोकसभा चुनाव में। हम मौजूद है अभी प्रोफेसर अशोक कुमार के साथ। अभी उनसे जनआकांक्षा रैली के संबंध में कुछ विशेष बातचीत करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो 3 फरवरी को जनआकांक्षा रैली होने वाला है, उनमें उसमें जो कांग्रेस के तरफ से जो भी अभी सहयोग है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। 89 के बाद, 1989 के बाद जब राजीव गांधी उसमें इलेक्ट थे, उसके बाद ये रैली कांग्रेस की हो रही है। तो कांग्रेस अपने गरिमा लोगों के कारण कई घटनाएं हैं, इतना लंबा समय नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ परेशानियां हो रही है। अब मोदी जी जो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, उनकी नाकामियों की वजह से और कांग्रेस के जो अपने एजेंडाज हैं उनकी वजह से जनता में फिर से एक आकांक्षा और आशा जग गई है। उसी जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक रैली के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता। सर, अभी हमें पता चल रहा है कि बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रैली होने वाली है, इसमें बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। महागठबंधन एक सजग है, एक साथ है, तो वो क्या ऐलान होने वाला है उसके बारे में भी कुछ बताइए। हमें पता चला कि बहुत बड़ा इस रैली में ऐलान होने वाला है इस मंच पे। देखिए, सच ये तो रैली है, एक चुनाव के पहले जब ये हो रही है तो चुनाव से संबंधित रैली है, उसी के प्रॉस्पेक्ट में रैली की जा रही है। तो महागठबंधन तो बिहार में पहले से ही है और हम लोग सब जुड़े हुए हैं इसमें। कुछ लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, आप देखे होंगे कि लोग प्रयास कर रहा है कि मायावती जी को भी साथ ले जाए, तो मायावती जी के आने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊँचा है, इसके लोगों की अपेक्षाएँ इससे बढ़ती जा रही है। तो वही गठबंधन का, महागठबंधन का एक स्वरूप आपको नजर आएगा, जो चीजें आप पढ़ती हैं उसको देखेंगे। और अभी हम बात करें आनंद सिंह की, तो उसमें आनंद सिंह बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उनको भी सीट दी जाएगी, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जब ऐसा है कि आपका प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ता है और लगता है कि जनता आपके साथ हो रही है, आप जनता के मुद्दों को छू रहे हैं, तो वैसे लोग जो चुनाव में होते हैं, चुनावी अभियान से जुड़े होते हैं, उनको रहता है बहुत निश्चित है इच्छा कि साहब हम भी चुनाव लड़ते हैं, एमएलए हैं, एमपी बनना चाह ही सकते हैं। सर, आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे। एक और क्वेश्चन है कि अभी जो आम बजट के बारे में भी सुने होंगे, सुबह से रिलीज आ रही है, तो उसके बारे में जो आम बजट पेश हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसे इसका एक टेक्निकल नाम है वोट ऑफ अकाउंट। ये एक 4-6 महीने की, मुख्य रूप से 4 महीने का एक बजट होता है, फिर सरकार बनने में सरकार बनेगी, उसके बाद फिर बजट होगा। तो इस बीच में एक जनरल सरकारी खर्च वगैरह के लिए, आम दिनों का खर्च के लिए ये एक बजट का प्रावधान है। रुक नहीं है ऐसा टेक्निकली, बस इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। अभी तो मैंने बजट देखा तो मैंने सुनते ही कहा, ये तो लगता है कि सरकार का बजट ना होकर के एक लोक लुभावन ऐसा दे दिया है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, तो जितनी भी तमाम तरह की चीजें जिनको भी कही जा सकती हैं सबको दे दीजिए, ये एक हताशा का परिचायक है। ये सरकार का बजट नहीं, किसी पार्टी का एजेंडा लगता है कि कोई पार्टी अपनी बात कह रही है। तो ये भी है कि भाई बोलने को क्या जाता है, कल मेरी सरकार आ जाएगी। तो अमित शाह ने कहा था कि साहब ये तो जुमला है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको पूरा करने से कोई लेना देना नहीं है, बहुत वीडियो वायरल हुआ इसका। तो अमित शाह ये कह के निकल जाएंगे, अगर चुनाव हार गए, कोई नई सरकार आए तो अपना भुगते हमारी सारी चीज़ों को जो बेलगाम, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी अर्थमेटिक्स के आपने जो ये सब दिया है, ये कोई उत्साहजनक नहीं है। सच्चाई होनी चाहिए किसी चीज़ को, लॉजिक होनी चाहिए। कैसे देंगे आप 500 रुपया महीना, 6,000 रुपया वार्षिक, 500 रुपया महीना किसान की एक फैमिली को दे, क्या हो जाएगा इससे? इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं बजट में जिनका कोई मायने नहीं है, वो एक पार्टी का एजेंडा है, एक स्लोगन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी ईमानदारी नहीं है। सबसे पहले एक इतनी बड़ी पार्टी जो सरकार में है, जिनको आगे सरकार बनाए जाने की उम्मीद रखते हैं, कम से कम कुछ तो ऐसी बात बोले तो लगे कि धरती पर है, इसे पूरा किया जा सकता है, थोड़ा अच्छे
अच्छे विचार के साथ कुछ सच बोले तो ज्यादा बेहतर है। उनके पार्टी के नितिन गडकरी ने कहा था, सपना आप वैसा दिखाए जिसे पूरा किया जा सके। अब क्या करें, पहले नितिन गडकरी जी की बात को ही समझे, अब बताया कि कितने दूर तक सही है। उनके अपने पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है, मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी के बाद अगर आज के दिन में कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो गडकरी की ही संभावना है। तो गडकरी की संभावना में गडकरी जी क्या करते हैं वही उनसे पूछ लीजिए, वही जवाब है इनके इस बजट का। सर अभी जैसा कि हमने सुना है कि आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट ही दे रहा है, बाकी 25 और 21 सीट जो भी है कि वो खुद मांग कर रहा है, कि उनका कहना है कि उनके जीतने उनके टीम में जितने भी मतलब जो भी है कि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो इस मामले में कांग्रेस पीछे हटती नजर आ रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है? बात ऐसी है कि यहाँ गठबंधन में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं सबको प्रधानमंत्री तो सबके लिए मान्य है, राहुल गांधी लालू यादव ने ही ये बात कह दी है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे, इसलिए ये कोई बहुत माने नहीं है कि वो जीत रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो टिकट ज्यादा ले रहे हैं कि हम ले रहे हैं। फिर लालू जी एक बहुत पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन है उनके माइंड का, आदमी हिंदुस्तान में भी बहुत कम है, तो मुश्किल ही है, इसलिए वो सीट का मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो मांग ही रही है 12-13 सीट, अगर आपके हिसाब से ही मिल रहे हैं इसमें इतना उठा पटक गया, उनका एक भी जीत है या मेरा जीत, वो दोनों को समर्थन तो करना राहुल का ही है, तो ये कोई विवाद नहीं है उन लोगों का, इस पर विवाद होगा भी नहीं। लालू जी को मैं वर्षों से जानता हूँ और मैं कायल हूँ उनके कैलकुलेशन का और पॉलिटिकल एग्रीमेंट का, इसलिए वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ ही सब होता है। आगे की न्यूज़ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन अभिषेक के साथ ऋतिका राज, बिहारी माटी।